आईफिल टावर जिसे बोलते हैं, और इस ये फ्रांस में, पेरिस फ्रांस, और इसको बनाया था इंजीनियर गुस्तेव ने, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये भाई न्यूयॉर्क अमेरिका में, और ये 28 अक्टूबर 1886 में स्थापित हुआ था। और ये भाई हमारे भारत की आन बान शान जो है आगरा में, और भारत अपने इंडिया हिंदुस्तान में। चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं, और जो बिना सब्सक्राइब किए हमारा वीडियो देखते हैं उनके पापों का हिसाब रखने के लिए खुद चित्रगुप्त ने सेक्रेटरी रखा हुआ है। तो राम राम जी भाई सारा ने, तो स्वागत है भाई आपका अपने चैनल वेदी व्लॉग्स में, मैं आपका होस्ट यतीश वेदी। तो भाई अब हम आए हैं सेवन वंडर पार्क अजमेर, जिसके सात अजूबे हैं, जो जिसे दुनिया में फेमस बोलते हैं सात अजूबे, इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी वगाना भी एक, उस पार्क में आए हैं। और ये है पीछे वो पार्क, आपको दिख भी रहा होगा। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर, बताता हूँ एंट्री फीस है या नहीं है, कुछ जानकारी। तो भाई अब चलते हैं अंदर, और यहाँ की एंट्री फीस है सिर्फ मात्र 10 रुपये, जो कि जायज़ है भाई। इतनी अगर आपको सुंदर चीज़ें 10 रुपये में देखने को मिल रही है तो भाई आपको ज़रूर जाना चाहिए, ये यहाँ की सुंदरता और भी निखारेगा। तो चलिए फिर चलते हैं अंदर। और भाई घुसते ही है हमारे प्यार की निशानी, ताज महल। नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। ये आईफिल टावर ने, आईफिल टावर फ्रांस आया भाई तारा भाई बेदी, मारे प्यार की निशानी नहीं है, अब आए ना लाइन पे हम भी करेंगे। ये भाई फोटो क्वीन, देख लो भाई ये मॉडल, सस्ती मॉडल। वेलकम टू सेवन वंडर पार्क अजमेर, अगस्त लिख रखा भाई लेकिन ये नवंबर में चालू हुआ था। तो ये भाई पहला अजूबा, आईफिल टावर जिसे बोलते हैं, और इस ये फ्रांस में, पेरिस फ्रांस, और इसको बनाया था इंजीनियर गुस्तेव ने, और इसको लगभग 10 साल लग गए थे बनाने में। ये 28 जनवरी 1887 को स्टार्ट होके और 15 मार्च 1997 में कंप्लीट हुआ था। और ये इसकी ओरिजिनल ऊंचाई है भाई, मतलब कितना लंबा है, 330 मीटर की उसकी ऊंचाई है, और देखो क्या लग रहा है भाई साहब। तारा भाई वेदी भाई आ गया फ्रांस में आईफिल टावर के तले, देख लो। ओ जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर। ये भाई दूसरा अजूबा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये भाई न्यूयॉर्क अमेरिका में, और ये 28 अक्टूबर 1886 में स्थापित हुआ था, और अमेरिका और फ्रांस के द्वारा भाई से निर्मित किया गया था, और इसकी ऊंचाई है लगभग 46.50 मीटर की। तो भाई देख लो, भाई आप देख सकते हो पब्लिक भी काफ़ी आई है, और वहाँ चलेंगे बाद में, यहाँ चलते हैं। ये भाई तीसरा अजूबा, इसे बोलते हैं मिस्र का विशाल पिरामिड, और ये अपना गीजा शहर मिस्र में, और इसकी विशेषता एक भुजा, और इसकी भाई लंबाई है वो 230.42 मीटर की है, और इसकी ऊंचाई वो है वो 137.16 मीटर की। तो भाई देख सकते हो आप कितना प्यारा लग रहा है यार लाइटिंग में, पिरामिड जैसा ट्रायंगल नहीं होता मैथ में, इन ट्रायंगलों ने बहुत ऐसे सी करी है लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गया। और भाई इनको देखो, ये अंदर जाना मना है या मतलब हाथ लगाना मना है। और अब आए भाई हमारे चौथे अजूबे की तरफ, अब तक आप तीन अजूबे देख चुके हो ये तीनों, और ये भाई हमारे भारत की आन बान शान जो है आगरा में, और भारत अपने इंडिया हिंदुस्तान में। इसकी विशेषता है भाई, ये मुग़ल शासक शाहजहाँ ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज़ की याद में 1632 में प्रारंभ किया था, और 1648 में इसका कार्य पूरा हुआ था। इसकी ऊंचाई है भाई 35 मीटर। अब आए भाई पांचवें अजूबे पे, और इसे बोलते हैं क्राइस्ट द रिडीमर, और ये भाई अपना रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। इसके भाई ऊंचाई 30 मीटर है मूर्ति की ऊंचाई, और ये दोनों हाथों के मध्य की दूरी इसकी 28 मीटर है, और इसका निर्माण हुआ था 1927 में स्टार्ट होके और 1931 में कंप्लीट हुआ था ये।
और भाई इसकी टाइमिंग है सुबह 11 बजे से 8 बजे तक, और चांद देखो कितना बढ़िया लग रहा है यार। देखो प्रॉपर जो शेप होती है ना चांद की, वो आई हुई है यार। मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? अब आए भाई अपना छठे अजूबे पे, इसे बोलते हैं पिसा की झुकी हुई मीनार, और ये इसे बनाया, ये है भाई अपना पिसा शहर में इटली में। और इसकी विशेषता भाई ये 1173 में शुरू होके लगातार युद्ध के कारण, और ये चल बने में इसको लगे थे 200 साल, और ऊंचाई है भाई इसकी 60 मीटर, और भाई ये अपनी जगह में ना 5 डिग्री झुकी हुई है। फाइनल एंड लास्ट अजूबा जिसे बोलते हैं कोलिजियम, और ये है भाई रोम शहर इटली में। इस ये भाई इसका निर्माण सम्राट वेस्पेसियन द्वारा 72 में स्टार्ट हुआ था ये, और इनके पुत्र टाइटस द्वारा 80 में पूर्ण हुआ था। इसकी लंबाई भाई 188 मीटर और चौड़ाई है 150 मीटर, और यहाँ पे भाई पहला ओलंपिक गेम भी हुआ था, तो आप बोल सकते हो कि ओलंपिक की जो शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी, कोलिजियम से। तो भाई हमने 7 अजूबे घूम लिए, मैंने आपको इनके बारे में बता भी दिया, और वीडियो कैसी लगी पूछते हैं भाई, कैसी लगी भाई, मतलब कैसा लगा ये पार्क? बहुत बढ़िया था एकदम, घूमने मजा आ गया, आप सभी को आना चाहिए एक बार भाई। 10 रुपए एंट्री यार, कुछ नहीं जाता, आओ घूमो। मेरे करण अर्जुन आएंगे। जिया जी। हाँ जी। मजा आया? बिल्कुल फुल मजा, पूरे हो गए ना जिंदगी कच्चे कटके तोते उड़ गए। हाँ फ्री में भाई, 10 रुपये हम अपने 10 रुपये हम सारे इटली फ्रांस आईफिल टावर ये टावर। तो भैया से पूछते हैं अपने, भैया आया मजा? हाँ बहुत मजा आया भाई, बहुत मजा। तो फिर क्या कहना चाहोगे, आना चाहिए यहाँ पे लोगों को? बिल्कुल आना चाहिए भाई, 7 अजूबे एकदम आके देखो एकदम भाई, और जरूरत ही नहीं है कहीं नहीं जाना भाई, अपना फोटो डालो और जलाओ लोगों को, मस्त प्लानिंग। तो फिर भाई कैसी लगी आपको ये वीडियो और मेरी जानकारी, तो फिर एक बार जरूर विजिट करें भाई अजमेर में वैशाली नगर के पास है ये, तो और 10 रुपये एंट्री फीस है। तो फिर भाई लीजिए आप इस वीडियो का मजा, और शेयर कर दिए अपने दोस्तों से, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय शंकर भगवान, जय शंकर भगवान, जय शंकर भगवान, जय श्याम बाबा। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना ठीक।